16 सेंचुरी में गुलबर्गा से बहमनी सल्तनत बीदर शिफ्ट हुई। उसका सुल्तान 16 सेंचुरी में खिला बनवा रहा था, तब ईरान से एक कारीगर अब्दुल्ला बिन खैसर को बुलवा के यहाँ पे काम करवा रहा था। वो कारीगर पत्थर में शेल इनले करता था और लोहे में सोना और चांदी इनले करता था। तब बीदर के कारीगर उसकी टेक्निक हासिल करके एक नया क्राफ्ट ईजाद किए जिसका नाम बिदरीवर है। बिदरी क्राफ्ट इंडियन और ईरानियन हेरिटेज का फ्यूजन है। मेरा नाम शाह रशीद अहमद क़ाद्री है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिदरी वर्क कैसे बनता है। इसके अंदर जिंक, कॉपर और सिल्वर इस्तेमाल होता है। जिंक और कॉपर का रेशियो 16 पार्ट जिंक के 1 पार्ट कॉपर का इस्तेमाल होता है। बिदरी क्राफ्ट को बनाने के लिए कई स्टेजेस है, जिसमें से पहला स्टेज मोल्डिंग है। मोल्डिंग करने के लिए मोल्डिंग फ्रेम में मिट्टी भरी जाती है, उसका इम्प्रेशन ले लेके उसको निकाल लेते हैं, फिर उसमें मेल्ट किया हुआ जिंक डालने से अंदर मोल्ड बन जाता है। उसको स्मूथ करने के लिए बेंच वाइज में पकड़ के रेती से घसते हैं। फिर डिज़ाइन के लिए कॉपर सल्फेट से टेम्पररी कलर करते हैं, उसके बाद स्टील चीजल से डिज़ाइन डालते हैं, फिर एंग्रेविंग करते हैं। जो साइज का ग्रूव रहता है वो साइज का वायर चीजल हैमर से इनले करते हैं, तो उसको स्मूथ करने के लिए फाइल से रगड़ते हैं। बफिंग करने के बाद स्टेनलेस स्टील जैसा वाइट हो जाता है। बिदरी क्राफ्ट तब मुकम्मल होता है जब इसमें बीदर के किले की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं जो 500 साल पुरानी है। बीदर के किले की मिट्टी लेके इसमें पानी डाल के इसको बॉईल करते हैं। जिंक पोर्शन ब्लैक हो जाता, सिल्वर वैसे व्हाइट रहता। फिर इसको चमकाने के लिए नारियल तेल लगा के 12 घंटे रखते हैं। ये इस तरह से ये तैयार हो गया। बिदरी क्राफ्ट हमारी तहजीब है, ये हमारी ख़ानदानी विरासत है।